हेलो एवरीवन माय माई नेम इस श्राधा खनगवाल वेलकम टू ओनो स्टडी मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने आई हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है आप अगर एनटीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं ग्रेजुएशन में है पोस्ट ग्रेजुएशन में है पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं यू पी या फिर को और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपके लिए पोलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है सो पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अब जो वीडियोज़ लेकर आऊँगी आपको इंटरनेशनल uh, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊंगी, जिसमें आज मैं कराने वाली हूँ लीग ऑफ नेशंस ओके सो यस लीग ऑफ नेशंस आप देख सकते हैं लीग ऑफ नेशंस का लोगो आप देख सकते हैं स्टार एंड टू स्टार्स है इसके अंदर आप देखिए एंड लीग ऑफ नेशन क्यों आया किस लिए आया वो मैं आपको अभी बताती हूँ देखिए ट्रीटी ऑफ वर्जेर 28 जून 1919 को ये uh, हुआ था बेसिकली ये है क्या uh, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप हाँ, हा, हम सब जानते हैं कि कितना हानि हुई थी कितना लोगों की जान गई थी कंट्रीज़ का क्या हाल हुआ था सब हमें मालूम है ठीक है so, सो इसीलिए ट्रीटी ऑफ वर्सेल uh, की गई थी जिसमें जर्मनी पर uh, कुछ लॉ एंड ऑर्डर जो है ज़बरदस्ती थोप दिए गए थे और ट्वेंटी जो आर्टिकल्स थे वो Uh, उनकी बात की गई थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जर्मनी फॉलो करेगा लाइक like किसी पर भी अटैक नहीं करेगा या जो भी उसने नुकसान झेला है अदर uh, कंट्रीज़ ने जो झेला है उन सबकी भरपाई जो है जर्मनी करेगा ये सब चीज़ें ओके पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस देखिए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस इन 1919 बाय यूएसए प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन एंड अदर लेफ्ट टू राइट डेविड ल्योर्ड जॉर्ज ऑफ ब्रिटेन विक्टोरियो एम्यूनर और ये इटली से थे एंड जॉर्ज जो है वो फ्रांस से बेसिकली ये टॉप लीडर्स uh, थे जिन्होंने पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी और इस पेरिस कॉन्फ्रेंस में स्टार्टिंग में 32 टू कंट्रीज़ थी देन बाद में जब लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश कर दिया गया था उसके बाद 55 फाइव कंट्रीज़ आ गई थी सो so, इसमें सबसे पहले बात की गई थी लीग ऑफ नेशन की नींव रखने की कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जैसा वर्ल्ड वार वन हुआ था ऐसी सिचुएशन दोबारा कभी ना आए या वॉर जैसे वॉर कभी दोबारा ना हो लीग ऑफ नेशंस क्या है अब देखिए उसकी बात करते हैं हम लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ये लीग ऑफ नेशन वॉज फाउंडेड इन ये बिल्कुल याद रखिएगा प्लीज़ टेंथ ऑफ जैन नाइनटीन ट्वेंटी जेनेवा में इसको फाउंडेशन uh, हुआ था देन छब्बीस आर्टिकल्स की जो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि वर्जेल के जो ट्वेंटी सिक्स आर्टिकल्स थे उन सभी को लीग ऑफ नेशन में ऐड भी किया गया जो कि जो जर्मनी पे थोपे गए थे लॉ एंड ऑर्डर सब उन्हीं आर्टिकल्स को लीग ऑफ नेशन में ऐड भी किया गया था कि कोई भी कंट्री अदर कंट्री पे अटैक नहीं करेगी पहले अटैक नहीं करेगी और वर्ल्ड uh, में पीस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एंड सो ऑन वो हम आगे देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी इसकी नेशन uh, जो नेशंस की वो है लीग ऑफ नेशंस की इंग्लिश एंड फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी अब हम देखेंगे की गोल्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे लीग ऑफ नेशंस के पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लीग ऑफ नेशन क्यों लाया गया जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें बहुत हानि हुई थी लोगों की जाने गई थी कंट्रीज़ का भी सब कुछ विध्वंस एकदम सब तहस नहस हो गया था सो so, कोई जीते या हारे मैटर नहीं करता नुकसान सभी को झेलना पड़ता है जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल ना के बराबर है सो so, इसका जो मेन मोटिव था वो यही था इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करता है ये लीग ऑफ नेशंस जो है कि विश्व में शांति बनाए रखना पीस पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अगर कंट्रीज़ के बीच में कोई इशू होता है कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको पीसफुली हैंडल किया जाए ये ऐसा लीग ऑफ नेशन का मोटो था फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 26 सिक्स आर्टिकल्स जो है वो लीग ऑफ नेशन में ऐड किए गए थे सो so उन्हीं लॉ एंड ऑर्डर को जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जिनका डिस्कशन किया गया था उन उन्हीं को यहाँ पे फॉलो करने की बात की गई थी लीग ऑफ नेशन में हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर बाय सोशली एंड इकोनॉमिकली जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद कंट्रीज़ का बहुत बुरा हाल था तो लीग ऑफ नेशन इसीलिए बनाया था ताकि जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे को सोशल इकोनॉमिकली या जोग्राफिकली जो भी जिस भी तरीके से जो भी परेशानी हुई है वो फिर से उभर सके इसीलिए लीग ऑफ नेशन लाया गया था मेन मोटो यही था कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके हेल्प कर सके रिस्पेक्ट ईच अदर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एक दूसरे के एकता और अखंडता की रिस्पेक्ट करना कोई भी कंट्री कुछ भी विवाद होता है तो पहले अटैक नहीं करेगी ये बिल्कुल ध्यान रखना है इन सब चीज़ों की बात की गई थी नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस देखिए इसके जो मेन ऑर्गन्स है बेसिकली ती, uh, तीन ऑर्गन्स हैं ए सेक्रेटेरिएट जिसमें आप देखेंगे कि ये जेनेवा uh, में था जनरली जनरल सेक्रेटरी रोड रिपोर्ट्स इसका बेसिकली जो काम था वो यही था कि ये जो भी काम हुआ है या जो भी चल रहा है उसकी रिपोर्ट्स रेडी करना लीग ऑफ नेशन में ओके okay? और ये इसके जनरल सेक्रेटरीज जो रहे हैं 1920 से लेके 1946 तक ही लीग ऑफ नेशन रहा है जब से ये बनाए तब से लेके इसके अंत तक तो उस पूरे टाइम पीरियड में जितने भी सेक्रेटरीज जनरल सेक्रेटरीज रहे हैं उनके नाम मैंने मेंशन किए सर जेम्स आ गए जो कि यूके से थे जोसेफ आ गए फ्रांस से थे सेन आ गए आयरलैंड से थे और ये कब से कब तक रहे हैं आप देख सकते हैं नाइनटीन टू ट्वेंटी नाइनटीन से 1933 तक सर जेम्स रहे हैं जोसेफ़ रहे हैं 1933 से 1940 तक एंड सें रहे हैं 1940 से 1946 तक अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ऑर्गन की ए काउंसिल सो द लीग काउंसिल हैड अथॉरिटी टू डील विद एनी मैटर अफेक्टिंग वर्ल्ड पीस इसके पास ये जो एक काउंसिल है इसके पास ये अथॉरिटी थी कि अगर कोई भी इशू जो वर्ल्ड पीस को अफेक्ट करता है उनके साथ डील करना ओके उन ईशूज़ को रिजॉल्व करना उन ईशूज़ के साथ डील करना ये काउंसिल का मेन वर्क था देन असम्बली असम्बली में हम देखेंगे दसेंबली हेल्ड इट सेशन्स वंस अ ईयर ईच मम्बर वॉज रिप्रेजेंटेड एंड हैड वन वोट इन लीग ऑफ असेंबली इंडिविजुअल मैंबर स्टेट डि नॉट ऑलवेज हैव रिप्रेजेंटेटि जेनेवा देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि साल में एक बार इनकी मीटिंग होती थी असम्बली मीटिंग जो है वो होती थी साल में एक बार और हर मैंबर को जो भी कंट्री है वो अपनी अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती थी और उनके पास एक वोट होता था कि कुछ भी अगर जैसे वोटिंग के थ्रू सारे डिसीजन लिए जाते थे जो मैक्सिमम वोटिंग होगी उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते थे और हर कंट्री का अपना एक वोट होता था लेकिन हर बार सेम कंट्री रिप्रेजेंट करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं था ये भी था ओके अब ये तीन प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स जो मेन उसके थे वो तो मैंने आपको बताया ही अदर बॉडीज़ ऑफ लीग ऑफ नेशंस आप देखेंगे कि उसके जो अदर बॉडीज़ थे वो कौन कौन से थे द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ये लीग ऑफ नेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जस्टिस इंटरनेशनल जस्टिस रिलेटेड जिस जो बाद में जब यूएन में इसको एड uh, किया गया तो ये बन गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आई होप आपको समझ आ रहा होगा ओके डन हेल्प हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब यूनाइटेड नेशन में आया उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ रहा यूएन में लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई ओके सो ये थी अदर बॉडीज़ मेन बॉडीज़ जो थी अदर ओके अब फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस देखिए फेलियर मैंने आपको रीज़न तो बताया कि क्यों बनाया गया था लीग ऑफ नेशन लेकिन अब बात करेंगे हम इसके फेलियर की कि ये फ़ेल हुआ बनाया था वर्ल्ड वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन दोबारा ना आए लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड हुआ ये वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया सेकंड वर्ल्ड वार को सो so, इसके फेलियर क्या क्या थे जो वॉर हुआ उसके पीछे के कारण क्या थे कि किस वजह से या इस ये लीग ऑफ नेशन क्यों नहीं रोक पाया वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ लैक ऑफ ट्रस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ अब वार में ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि कोई भी कंट्रीज़ एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती थी किसी को किसी पे भरोसा नहीं था तो सबसे बड़ा एक रीज़न ये था कि लीग ऑफ नेशन में जितनी कंट्रीज थी वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती थी डोमिनेंस ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस जो ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका ये बेसिकली मेन इटली ये मेन डोमिनेटिंग कंट्रीज़ थी लीग ऑफ नेशंस में ओके सो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं कंट्रीज़ के थ्रू चलाया जा रहा था लीग ऑफ नेशंस और ये सिर्फ अपनी मनमानी करती थी अपने फ़ायदे के लिए काम किया ब्रिटेन और फ्रांस ने अदर कंट्रीज़ को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यू Uh, मैंने आपको पहले बताया था कि जब लीग ऑफ नेशन के पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई थी उसको uh, रखने वाले मेन जो थे वुड्रो विल्सन थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लेकिन जब इसका फाउंडेशन हुआ 1920 में तब यूएसए मौजूद नहीं था जो कि सबसे बड़ी एक समस्या थी कि जो सबसे पावरफुल कंट्री हूँ तो बाकी भी थे ब्रिटेन फ्रांस इटली uh, बाकी भी पावरफुल कंट्रीज थी लेकिन यूएसए वहाँ पे नहीं था जो अपने आप में एक पावरफुल कंट्री था अगर ऐसा मानते हैं कि अगर वो होता तो शायद कहीं ना कहीं ये फेलियर वाली सिचुएशन शायद शायद ना आती ओके सो यूएसए का पार्टिसिपेशन भी बहुत कम रहा है और इटली अब बात करते हैं इटली इटली वॉज द परमानेंट मेम्बर ऑफ लीग ऑफ नेशंस बट नॉट बिलीव इन वर्ल्ड पीस अब देखिए इटली में मुसोलिनी की मुसोलिनी वहाँ के जो पॉलिटिशन है उसका नाम मुसोलिनी करके है और मुसोलिनी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे सो इटली जो है वो पर्मांट मेंबर था लीग ऑफ नेशंस का ठीक है लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी ये वर्ल्ड पीस में बिलीव नहीं करता था ओके इटली में क्या था इटली में फासिज्म था इटली जो मुसोलिनी है मुसोलिनी का ये मानना था कि स्टेट ही सबसे ऊपर है स्टेट से ऊपर कोई नहीं है ठीक है अगर कोई स्टेट को नहीं बांधता या स्टेट की नहीं सुनता तो उसको पनिश किया जाता था या गर्दन काट दी जा जाती थी जैसे हम फासिजम कहते हैं ठीक है ये पनिश किया जाता था किसी भी तरीके से सो so ये भी एक सबसे बड़ी समस्या रही है कि इटली जब वर्ल्ड पीस जो सबसे पावरफुल कंट्री है ऑलमोस्ट वही नहीं बिलीव करता वर्ल्ड पीस में तो पीस मेंटेन कैसे होगा देन सोवियत यूनियन का मानना था कि लीग ऑफ नेशन जस्ट फॉर कैपिटलिस्ट नेशंस सोवियत यूनियन का ये मानना था कि जो लीग ऑफ नेशन है वो सिर्फ पूंजीवादी देशों के लिए ही है पूंजीवादी राष्ट्र के लिए ही है क्योंकि मैंने बताया आपको ब्रिटेन फ्रांस इटली का काफ़ी बोलबाला था काफ़ी uh, ये डोमिनेटिंग कंट्रीज थी ठीक है और ये सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करती थी अपने फ़ायदे के लिए करती थी इन्होंने बाकी कंट्रीज़ को इतना महत्व नहीं दिया इवन इन्हीं की वजह से वॉर सेकेंड वर्ल्ड वार की भी सिचुएशन आई नेक्स्ट हम देखते हैं आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अगर आपको क्लियर नहीं है या पॉइंट कुछ भी या आपको लगता है कि इसके अंदर और भी पॉइंट्स ऐड किए जा सकते थे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा ताकि उन पॉइंट्स के ऊपर मैं क्वेश्चंस भी बना सकूँ मैं आगे चलते हैं चलिए ओके हो गया है फेलियर मैंने आपको बता दिए सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट करके सजेशंस दीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशनस मिलती रहे और प्लीज़ 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 सजेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ जो भी आप चाहते हैं और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड चाहिए या कौन से टॉपिक पर चाहिए थैंक यू सो मच खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और मास्क पहन के रखिए कोरोना अभी गया नहीं है थैंक यू